इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने आज शाम 6 बजे संसद भवन में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज के गमछे को सर पर बांधकर शपथ लेते हुए नजर आए। बता दें कि विवेक बंटी साहू ने अपने चुनाव के दौरान आदिवासी भाइयों को यकीन दिलाया था कि वह संसद जाएंगे तो आदिवासी समाज के पीले गमछे को ओढ़ कर जाएंगे, जो आज उन्होंने पूरा किया। मैं बंटी विवेक साहू, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। भारत माता की जय। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम महिला ने जब भाजपा को वोट दिया तो पति ने उसे तलाक दे दिया। हालांकि पीड़ित महिला ने भी पूर्व में पति के ऊपर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया था। पीड़ित महिला का निकाह 8 वर्ष पूर्व हुआ, उसका 6 वर्षीय पुत्र भी है। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरअसल तलाक लेने का असली कारण क्या है, इसकी वजह सामने नहीं आई है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी को वोट दी, बंटी भैया मतलब बंटी साहू जी को वोट दी। तो जब ये बात मेरे पति को पता चली तो उन्होंने, उसकी माँ, उसकी बहनों ने मुझे मेरे साथ मारपीट की। मेरे छोटे से बच्चे के साथ मुझे घर से भगा दिया गया। मैं पास के ही किराए के मकान में रहती हूँ और 3 बार तलाक 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 बोल के मुझे घर से निकाल दिया। अब पहले ही पत्नी को वो छोड़ चुका है और मुझे भी छोड़ दिया है। अब इस बीच मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, कहां जाऊं। फिर मैंने SP साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास आवेदन दिया। की शिकायत पर से हमने पति आसिफ मंसूरी और जो पीड़िता की सास है कमरुल निशा, इसके अलावा उसकी जो नंद है अख्तर मंसूरी, आसिफा मंसूरी और किश्वर मंसूरी और परवीन मंसूरी, सभी ये छिंदवाड़ा की निवासी हैं। इनके विरुद्ध हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसके अलावा जो इन्होंने 3 तलाक मौखिक रूप से दिया है, उसमें एक 2019 में अधिनियम है 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम, उस पर भी हमने कायमी, तो जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है हम इस पर कर रहे हैं। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। धर्म टेकड़ी चौकी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 सिद्धि विनायक कॉलोनी में रविवार सोमवार की दरमियानी रात अज्ञात नकाबपोश चोरों ने किराना दुकान की शटर तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। दुकान संचालक जीतू चाचड़ा ने बताया कि लगभग दुकान से 15 से 20 हजार की सामग्री नगदी चोरी हुई है। दुकान संचालक ने चौकी पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने चोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चोरी की सारी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर चोरी को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। कि मैं GP चचड़ा, बालाजी नगर सिद्धि विनायक वार्ड नंबर 10 में मेरी किराना शॉप है। अगले रात को चोरी हुई, सुबह 8 बजे मुझे जानकारी लगी, जिसमें 15 से 20 हजार रुपए की चोरी हुई। बीते दिनों हुए पड़ोसी जिले सिवनी में आज सामाजिक तत्व द्वारा लगभग 80 गाय को नृशंस हत्या कर दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज सिवनी कांड को लेकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जो गौवंश की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई है, और सरकार कहाँ है? बड़े गौ माता के नाम पर वोट लेने वाले, राम भगवान के नाम पर वोट लेने वाले आज
चुप क्यों हैं? मुख्यमंत्री जी बार बार चुनाव के समय में यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन आज जब ये गौ माता की निर्मम हत्या हुई है तो क्यों नहीं ये सिवनी देखने आए कि किसने हत्या की है? तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि वे तुरंत कार्रवाई की करें। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो कार्रवाई अभी आपने की है उससे इससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी जो मेन इसमें जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इनके सरगना हैं, इनके तक हमारी पुलिस प्रशासन पहुंचना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यदि उन्हें कार्रवाई जो हुई है उससे हम थोड़ा संतुष्ट हैं, लेकिन पूरा संतुष्ट होने के लिए शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसी क्रम में आज पुजारी संघ के सदस्यों ने भी सिवनी में घटित हुई गौ हत्या कांड को लेकर आरोपियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश संत राय संघ की ओर से सिवनी में जो 20 तारीख को गौ हत्या की गई, उसके विरोध में हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे प्यारों को कठोर दंड दिया जाए। इसी क्रम में आज अधिवक्ता संघ ने सिवनी कांड को लेकर आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। विगत दिनों सिवनी जिले के आसपास के गांव में गोवंश की निर्मम हत्या कर नदी में बहाया गया है, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग आंदोलित है। अधिवक्ता संघ में भी रोष व्याप्त है। जिला अधिवक्ता संघ इस घटना का विरोध करता है और विरोध स्वरूप हमने आज मध्य प्रदेश शासन को जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि COVID-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा तमाम विभागों के अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने अपने विभाग के अधिकारियों से शासन की योजनाओं की जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ CM हेल्पलाइन में होने वाली शिकायतों के निराकरण की जानकारी लेते हुए समीक्षा की। शहर के खजरी रोड स्थित एकलव्य कॉलोनी में आज आंचलिक साहित्य परिषद की काव्य गोष्ठी आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान शहर के तमाम कवियों ने अपनी कविता सुनाते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। इसी क्रम में सभी सदस्यों ने देश के ऊपर अपनी जान निछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि व्यक्त की एवं उनके बलिदान को लेकर सभी ने अपनी बात रखी। वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं, ये हकीकत है, मगर मुझको सुनाता क्यों? क्या बात, क्या बात, क्या बात। संघर्ष किया है, संघर्ष किया है जीवन में किसने कितना, अंतर मन की परखी में वो खुद ही आके कब तक अपने मन मिलाए अपनी खाते, बांटे सुख और सिलते हैं भूखे ताके। जागी जागी अखियाँ सोई सोई रातें, नींद की गलियों में सपनों की बातें, जागी जागी अखियाँ सपनों के तट